हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रखा होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व की थी, ठीक है? तो देखते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, ठीक है बच्चों। यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए बच्चों, बहुत सारी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या होती है कि एक फिक्स वैल्यू की बात हम करते हैं कि भैया हमें अगर कोई दो ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ठीक है, हम उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं बच्चों, वो हम करेंगे एक्स प्लस ए और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस बी से। देखिए एक्स तो कॉमन है, लेकिन ए और बी जो क्या है वो अलग अलग टर्म्स हैं, तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का मिलेगा बच्चों हमें क्या, यहाँ पर प्लस का हमें मिलेगा यहाँ पर ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस का ए बी। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चों आंसर आने वाला है, तो हम यही आइडेंटिटी यूज करके नाउ एक्स प्लस एट एक्स माइनस का 10, ठीक है बच्चों, जो हमें दे रखा है हमने वो लिख लिया है। अब करते हैं x की जगह तो एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस, देखिए a की जगह मुझे 8 दिख रहा है, b की जगह दिख रहा है माइनस का 10, मल्टीप्लाई में x ही है और यहाँ पर 8 इंटू 10 हो जाएगा। तो देखेंगे ये आंसर होगा बच्चों x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो है सब्ट्रैक्ट होने से माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2x, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा माइनस का 80। ये हमारा आ जाएगा क्या आंसर। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको हमें सब करना था सॉल्व। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में जो हमारे फिगर हैं वो थोड़े अलग हैं, बाकी आइडेंटिटी तो हमें वही यूज़ करनी है। क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो बच्चों, हम इस वाई को सपोज करेंगे एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस बी। इसके लिए हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस का बी एक्स माइनस का ए बी, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, साइन ऑफ प्लस और हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो गड़बड़ क्या हो गया बच्चों कि आइडेंटिटी जो है वो अलग है, हमने क्या किया है इसको x प्लस ए लिख दिया ना, हम क्या करते हैं बच्चों इसको लिखते हैं x प्लस वाई लिखेंगे बच्चों इसको, और x माइनस वाई लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर a और b की फॉर्म में ही लिख रहा है ना, x या y की फॉर्म में या b a या b की फॉर्म में, तो देखो क्या लिखेंगे हम इसकी जगह पर, हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई की पावर 4, ये हो जाएगा 9/4, तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो जाने वाला है आंसर हो जाने वाला है। कुछ इस तरीके की आइडेंटिटीज हमें यूज़ करनी है फॉर फाइंडिंग दी प्रोडक्ट्स ऑफ टू ब्रैकेट्स, ठीक है, दो ब्रैकेट हमें दिए हैं उनके मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कोई आइडेंटिटी का यूज़ करना है। देखिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं बच्चों 104 इंटू 96। देखिए एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखो हम करते हैं 100+4 लिख देते हैं इसको, है ना, 104 को ऐसा लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई का साइन है ही सही,
हम इसको कर सकते हैं 100 माइनस का 4। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। प्लस 4 करने से 104, माइनस 4 करने से 96 आ जाएगा। अब हम करेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगाएंगे तो आंसर आएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है 104 मल्टीप्लाई 96 इक्वल। ठीक है, क्योंकि हम इसी के इक्वल में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 100 लिखेंगे, इसकी पावर लगाएंगे 2, माइनस 4 और इसकी पावर लगाएंगे 2। तो देखेंगे 100 का स्क्वायर हो जाएगा 00, 4 टाइम 0, और ये हो जाएगा 4 4 16 16। हम माइनस करते हैं बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 8। ठीक है, 4 8 फिर 9 और 9, 9984 हमें आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें क्या करना था, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है फैक्टराइज। फिर यहाँ पर क्या करना है, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टराइज करना है बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर को सम एज इट इज़ रखते हैं। हम लिखते हैं बच्चों वाई अपॉन 10 रेस्ट टू द पावर 2। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 रेस्ट टू पावर 2 की फॉर्म में इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, हमें मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज़ रख देंगे ए और बी की प्लेस पर। तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई बाय 10, एक्स प्लस वाई बाय 10 जो है क्या है बच्चों, वो है हमारा आंसर। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वो हमें क्या करना है, इसी तरीके से करना है। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चों, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है सॉल्यूशन, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है क्या, इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2 अगर कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है क्या हो जाएंगे, इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आइडेंटिटी होती है। तो बच्चों हम लिखेंगे 2x प्लस का 3y प्लस का 2y, 2x और ब्रैकेट इसकी जगह मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर मुझे x की जगह पर a की जगह पर यहाँ दिख रहा है 2x माइनस का प्लस। देखेंगे तो बच्चों हम लिखेंगे b मतलब कि 3y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखिए यहाँ पर a की जगह हमें रखना है माइनस का 2x और b की जगह रखना है 3y प्लस, फिर क्या करेंगे हम b c रखेंगे बच्चों 3y मल्टीप्लाई 2x और माइनस का 2x और 2x प्लस का। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हम वैल्यूज़ को रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिखेगा हमें, 4x स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, स्क्वायर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है 3 3 9 वाई स्क्वायर होगी प्लस
अगेन हाउ दिस इज पॉसिबल, इट इज गोइंग टू बी 2z ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 2z है ना। देखिए 2z है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4z स्क्वायर और ठीक है 4z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं अगली स्टेप में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू, देखिए ये हो जाएगा 3 × 6xy और ये हो जाएगा फिर से ये भी 3yz और माइनस का 4xz। ठीक है बच्चों, ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वैल्यूज पुट करके आंसर देना है। देखते हैं, सेकंड 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर हमारे पास है। तो बच्चों हमें आइडेंटिटी यूज़ क्या करनी है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो जो वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस बी सी प्लस ए सी का यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ कंपेयर करने के बाद हम पुट कर देंगे, देखेंगे बच्चों सबसे पहले जो ए स्क्वायर दिख रहा है वो 1/4 a की पावर है 2। ठीक है 1/4 a की पावर 2 है, प्लस करते हैं माइनस 1/2 और b की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, a, b और c की वैल्यू हमने रख दी, अभी थोड़ा और बच रहा है, क्या होगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लगाता हूँ ab के लिए मुझे लिखना है 1/4 a, b के लिए माइनस 1/2 b प्लस, देखिए फिर माइनस 1/2 b और क्या है यहाँ पर 1 प्लस 1 × 1/4 a। ठीक है ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 × 2, देखिए अब इसका करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का ab/8, माइनस का ab/8 और देखेंगे यहाँ पर, तो माइनस का ये हो जाएगा 1/2 b और ये हो जाएगा प्लस 1/4 a। ठीक है ना बच्चों, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग हम 2 से इसके अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए प्लस जो है अब यहाँ पर आ जाने वाला है क्या, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कट जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पास ab/4 मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे तो माइनस बी हमें मिल जाएगा क्योंकि ये 2 कैंसिल होने वाला है, और आगे की स्टेप हम देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होने पर 1/2 a जो है आंसर मिल जाने वाला है। कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा, आंसर आएगा। सिर्फ आइडेंटिटी लिखकर आपको वैल्यूज पुट करना है, कोई ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी वाली इसके अंदर बात मुझे नहीं लगती है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज। देखिए बच्चों हमें क्या करना है, इसको फैक्टर बनाना है, इसके फैक्टराइज करने हैं, तो वही फॉर्मूला जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था कि हम करते हैं बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस बी सी प्लस ए सी मिलता है। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास इतनी टर्म्स यहाँ ये दे रखी है, हम इसका रिवर्स लिख देंगे ये। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो मुझे वैल्यू फाइंड करना है किसकी, ए की, तो ए की प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है बच्चों, हमें दिख रहा है रूट एक्स और स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है रूट 2x स्क्वायर अगर लिख दूंगा देखो तो ये क्या हो जाने वाला, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
अब वाई मतलब बी की प्लेस पर मुझे वाई दिख रहा है, तो मैं इसका स्क्वायर लिख दूंगा डायरेक्ट। और जो नेक्स्ट दिख रहा है ना बच्चों, वो क्या है, वो है टू रूट टू जेड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, देखिए स्क्वायर बनाएंगे वापस से, तो टू की पावर टू मतलब कि फोर, और रूट जो है वो हट जाने के बाद फोर टू जै हमें क्या मिल जाएगा, एट। जेड स्क्वायर मतलब उसी स्टेप पर हम पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली है बच्चों कि आगे जो है क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो कौन सी टर्म माइनस होगी, उसका अंदाज़ा हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर टू हम लिख देंगे, टू इंटू क्या लिख देंगे बच्चों, टू इंटू ए की वैल्यू हमने टू रूट टू फाइंड किया बच्चों, टू एक्स, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर वाई तो नेगेटिव है ही नहीं, वाई तो अभी नेगेटिव नहीं है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर एक्स जो है बच्चों नेगेटिव होने वाला है, तो हमें एक्स की जगह रखना है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव रूट टू एक्स वाई। ठीक है, देखिए ये जो स्टेप्स है ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस टू रूट टू है और ब्रैकेट के अंदर माइनस टू रूट एक्स वाई है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला, यहाँ पर हमारे पास है फोर रूट टू, जिसके लिए मुझे टू तो पहले यहाँ लिखना ही है बाहर, अब मेरे पास बच रहा है वाई और देखिए टू रूट टू जेड। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, टू रूट वाई जेड मिलेगा, और ये बाहर टू हमने लिख रखा है, मतलब फोर रूट टू वाई जेड मिल जाएगा। अगला जो स्टेप है बच्चों उसमें भी हमें टू लिखना है कॉमनली। ठीक है, अब हमें जो एक्स और जेड की वैल्यू मिल रही है, कौन कौन सी वाली, यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस टू रूट जेड, टू रूट रूट टू एक्स, और यहाँ पर जो है कितना, टू रूट टू जेड, ये ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे। तो देखो बच्चों ये स्क्वायर होने से कितना हो जाएगा, टू एक्स, ये हो जाएगा वाई, सॉरी टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा फोर टू ज़ा एट जेड स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, नहीं स्क्वायर कहाँ से करना है, हमें तो रिवर्स जाना है बच्चों। देखो तो अब हमारे पास मिल गई है टर्म्स ए बी और सी, हमें ए बी सी की वैल्यू रख देना है किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। तो ये जो है आंसर हमें कॉमनली मिल रहा है बच्चों, इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर अपन ओपन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ये टर्म हमें मिल जाएगी, ये हो गया इसके फैक्टर। हम इसको टू टाइम्स भी लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू टाइम। हम इसको दो ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं आंसर, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, हमारे पास है एक्स इक्वल क्वेश्चन सिक्स, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है, इन बच्चों इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है गिवन क्यूब्स को। तो करते हैं बच्चों सॉल्यूशन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 है ना, हम कुछ इस तरीके से इसको करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी यूज़ हम करेंगे और इसका जो है आंसर लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको हमें यूज़ करना है और आंसर हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। देखिए 2x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 मतलब कि यहाँ पर होगा 2x रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये जो है हम लिखेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 टू ज़ा 6 एक्स इंटू 2x प्लस का 1। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लिखेंगे बच्चों, वो हो जाएगी प्लस 1, देखिए 6x का मल्टीप्लाई करने से मेरे को मिल जाएगा ये 12x स्क्वायर और 6x।
लास्ट स्टेप में हम आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस का 1, ये होगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करके क्या करना है, इसका आंसर या प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, हमने ये आंसर दे दिया यहाँ पर, देखते हैं यही ऑप्शन हमें देखना बच्चों, सेकंड यहीं पर दिख रहा है हमें, क्या है, एक्स माइनस 2/3y रेस्ट टू द पावर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3। देखो बच्चों, हम करते हैं a माइनस b का होल क्यूब, तो क्या होगा, वो होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो देखते हैं x माइनस 2/3 y का क्यूब जो है वो हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 2/3 y³ माइनस 3x 2/3 y ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा क्या, एक्स माइनस 2/3 y। ठीक है बच्चों, x²-4, 2 × 4 × 8, 3 × 9, 9 × 27 y³ माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी है ना, ब्रैकेट के अंदर है, देखिए इसको क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2xy इंटू, इसे हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 2/3 y लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और ये देखिए, ये हो जाएगा x²-8/27 y², माइनस ये हो जाएगा 2x²y, ये माइनस 2x²y, और ये प्लस हो जाएगा क्या बच्चों, 4/3 xy² जो कि क्या हो जाएगा आंसर, जो क्या हो जाने वाला है बच्चों, आंसर हो जाने वाला है। उम्मीद है इस तरीके से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करना है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो देखेंगे 99³ को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 100-1³। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा हम लिखते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, अब a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस का b, तो देखेंगे 100-1³ मतलब कि 100³ माइनस 1³ माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, 100-1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2×0, 3×0 और 6×0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 6×0 - 1 माइनस का ये हो जाएगा 300 और ब्रैकेट में 100-1 मतलब 99। ठीक है बच्चों, 99। ठीक है, अब देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 and 3×0 माइनस का 1 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये कितना मिल जाने वाला है, 9³ = 27, 9³ = 27 × 29। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, 1, 2, 3×0 में से मुझे माइनस करना है बच्चों 1 ये हो जाएगा 9 में से 7 माइनस करूँगा तो 2, 9 में से 9 0 और 9 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 9 में से 2 7 और 9। ठीक है बच्चों, आंसर जो है वो आएगा 9 7 0 2 9 9 आंसर।
ठीक है बच्चों, ये जो है आंसर आ जाने वाला है। हमें स्टेप, हमें ये जो है तरीका, ये मेथड अपनाना है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं। 9998 है ना, 2 टाइम्स 9 और 8 का हमें करना है क्यूब, तो देखेंगे 1000 माइनस का 1 रेस्ट टू द पावर 3, वही ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB इंटू ए माइनस बी, लगाने से क्या मिलेगा, 1000 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 3, मतलब कि 1000 रेस्ट टू द पावर 3, 1 की पावर 3, 3 इंटू 1000 इंटू 1000 माइनस का 1। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ को हमें पुट करना है, तो देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, 9 टाइम्स 0 आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3000 और मल्टीप्लाई हम करेंगे 999 से। ठीक है, तो अब देखते हैं। थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन, 29 और ये 29। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है 1 2 टाइम 0, फिर 2 टाइम 0, 2 टाइम 0 एंड 3 टाइम 0 के बाद लेंगे 1 0 0 7 9 9 2, 9 9 9, यहाँ पर है 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7, 9 और 9। ठीक है बच्चों, आंसर हमारे पास आ रहा है 99,70,02 और ,999। ये हो गया क्या आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। इवेल्यूट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर होता है कंप्लीट। हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसको क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपन सॉल्यूशन को और करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ देखते हैं हम, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab³। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों। a³ माइनस b के होल क्यूब में बनाने के लिए इसको करते हैं कोशिश। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2a² लिख देते हैं हम 3, माइनस b रेस्ट टू द पावर लिख देते हैं 3। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए हम कॉमन लेते हैं, क्या हम माइनस कॉमन लेते हैं 3। सबसे पहले तो हम 3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए a, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर है 2a। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 2a, और बी की वैल्यू कितनी है b। अब देखिए 3 2 6, हमारे पास क्या बच गया है, 3 2 6 ab। तो यहाँ पर तो हमें क्या मिल रहा है, बच रहा है हमें, हमें यहाँ में बच रहा है 2a। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर है ना। नहीं चलो इसको ऐसे ही करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं 3 6 a b और मल्टीप्लाई में ए लिखता हूँ, प्लस का यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 2 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, b³। यहाँ पर क्यूब नहीं होगा, यहाँ पर होगा बच्चों स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों हम करते हैं क्या, अब देखें इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तो 3 बन रहा है, एक a बन रहा है। ठीक है, और ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम कॉमन की बात करते हैं, तो देखेंगे क्या क्या कॉमन यहाँ से आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2a³ b³ 3 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 2a और 2a into b मैं कॉमन ले लूँगा बच्चों, तो मेरे पास जो बच जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर 2a
प्लस का माइनस का भी, ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस का मैंने कॉमन लिया। देखिए यहाँ पर 3a और b ये सब में कॉमन है, 3a और b सब में कॉमन है, माइनस वन कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा प्लस और माइनस। अब ये जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, अब हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और a माइनस b की जगह हम रख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। तो इससे हमें ये मिल जाएगा बच्चों 2a माइनस b का क्यूब, ठीक है, ये आंसर हमें इसमें मिल जाने वाला है। उम्मीद है आप इसको कर लेंगे, समझ में आपको ये आ गया होगा। देखते हैं सॉल्यूशन 27 पी क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पी, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, हमें गिवन एक्सप्रेशन है। अब हम करते हैं क्या, इसको 3p क्यूब लिखते हैं इसको, ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे 6 होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर होगा 1/6, मतलब a की प्लेस पर हमें यहाँ पर 3 दिख रहा है और b की प्लेस पर दिख रहा है बच्चों 1/6। तो आगे की जो टर्म्स है वो सारी इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए मैं लिखता हूँ 3 इंटू, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ 3p, है ना, 3a a b आएगा बच्चों यहाँ पर 3a b, क्योंकि हमें कॉमन भी निकालना है, तो 3a के लिए 3p और लिख दूंगा 1/6, ठीक है बच्चों। और अगली स्टेप जो है वो होगी 3bb, ठीक है बच्चों, 1/6 इंटू 1/6 इंटू a 3p। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमने जो पहले a और b लिखा है उसी को पीछे बनाने के लिए कन्वर्ट कर दिया। देखो इसको क्या करते हैं, अगर इसको कट करते हैं तो 3 2 6 और 3 2 6 मतलब 1/2 और 3 3 9 पी स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है, ये टर्म जो है यही आ रही है, हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा के लिख दिया है। अब इसको चेक करते हैं, देखो बच्चों तो 3 2 6 और 3 2 6 मतलब 1/4 ही आएगा ऊपर वाला, ठीक है, इसको वापस अगर हम रिवर्स करना चाहें, अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b में, तो इसको हम लिख देंगे बच्चों a माइनस b का होल क्यूब। तो देखो क्या लिखेंगे, 3p माइनस 1/6 रेस टू द पावर 3 जो है इसका आंसर आने वाला है। और इसको अगर फैक्टराइज करना था हमें, तो हम लिख देंगे 3p माइनस 1/6 एंड लास्ट इज 3p माइनस 1/6, ये हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई, बच्चों हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है LHS और RHS को इक्वल बताना है। हम करते हैं बाय RHS x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों x से सबसे पहले ठीक है, देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाई जो है ये रहा माइनस का और ये रहा प्लस की, दोनों टर्म ऑपोजिट टर्म्स हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास बच जाएगा, जो क्या होगा LHS, है ना, सीन्स LHS इक्वल आ रहा है हमारे पास RHS, तो हमने क्या कर दिया, हैंस इट इज प्रूफ्ड, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से ये हो जाएगा वेरीफाई, ये हो जाएगा प्रूफ्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फैक्टराइज करना है बच्चों, ये है 4 4 16 16 4 64 होता है 4m की पावर 3। अब देखो बच्चों अगर मैं 7 की पावर 3 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कितना 343, ठीक है, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हमने लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसके फैक्टर जो होंगे बच्चों वो हो जाएंगे
क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4m माइनस 7n, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 4m रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 4m 7n प्लस 7n रेस्ट टू द पावर 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4m माइनस 7n और यहाँ पर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये जो है फैक्टर हो जाएंगे फॉर दिस, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हमें फैक्टराइज करना है तो हम लिखेंगे 20 क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, अगर हमारे पास है 3xyz तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x प्लस प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखेंगे। तो देखिए अब हमें कंपेयर करना है कि x की प्लेस पर क्या है, तो हमें x की प्लेस पर दिख रहा है बच्चों 3x, ठीक है। y की प्लेस पर y दिख रहा है और z की प्लेस पर हमें z ही दिख रहा है। तो वैल्यूज़ पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा 3x प्लस y प्लस z और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस y। और अगला जो स्टेप है बच्चों वो क्या है, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। देखिएगा आंसर जो है कुछ इस तरीके से आने वाला है, 3x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे देखो बच्चों 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, कुछ इस तरीके से ये जो होंगे बच्चों इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमें करना है क्या, हमें प्रूफ करना है बच्चों कि इसके लिए आंसर जो है वो ये आएगा। तो देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो जीरो हमें दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो होगा इक्वल 3xy z के। तो देखेंगे बच्चों हमें क्या पता होता है कि हम लिखते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के साथ में अगर माइनस 3xyz हमारे पास अगर होता है तो हम आइडेंटिटी क्या यूज़ करते, हम आइडेंटिटी यूज़ करते x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और लिखते क्या माइनस हम लिखते एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें क्या दिया है गिवन, क्या दिया बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या दे रखा है ज़ीरो। तो देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उसमें हम क्या पुट करते हैं ज़ीरो, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह ज़ीरो पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कुछ इस तरीके से। और देखिए ये तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, होल ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड से हमने शुरू किया था, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से आपको इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करना है और आंसर बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हमारे पास होता है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस होता है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, के बाद में क्या आएगा बच्चों, माइनस थ्री एक्स वाई और जेड, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला होगा। हमें रखनी है वैल्यूज़, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। देखिए माइनस ट्वेल्व की पावर रखेंगे थ्री प्लस, यहाँ पर हम रखेंगे सेवन की पावर थ्री प्लस फाइव की पावर, नहीं नहीं पावर कहाँ से है बच्चों, पावर नहीं है यहाँ, माइनस ट्वेल्व की पावर टू, नहीं स्क्वायर भी नहीं है, प्लस सेवन प्लस फाइव, ठीक है ये है। फिर हम बढ़ते हैं अगले वाले में, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ट्वेल्व स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस का ट्वेल्व इंटू वाई जो है वो है सेवन प्लस नहीं माइनस, माइनस ए वाई जेड की वैल्यू रखनी हमें, तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर वाई की वैल्यू है सेवन और जेड की वैल्यू है फाइव, और माइनस आगे बढ़ते हैं तो है यह फाइव और माइनस का ट्वेल्व, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट बंद करने के बाद हमें क्या लिखना है, माइनस में थ्री एक्स और वाई जेड, ठीक है बच्चों। अब करते हैं, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये है सेवन प्लस ट्वेल्व हो जाएगा क्या, सेवन प्लस ट्वेल्व हो जाएगा यहाँ पर ट्वेल्व, और माइनस ट्वेल्व होने से हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है बच्चों, ये हो गया ज़ीरो ब्रैकेट। और यहाँ इसकी पूरी कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है बच्चों इसको कैलकुलेट करना है, इनको मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। तब देखेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स और मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी फाइव से, थर्टी फाइव थर्टी सिक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करने के बाद ज़ीरो इक्वल, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वन टू सिक्स ज़ीरो आंसर आएगा, वन टू सिक्स ज़ीरो हमारे पास इसका आंसर आएगा। हमने क्या किया, कैलकुलेशन बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ हमने वैल्यू पुट की तो पता चला कि ये फर्स्ट टर्म ही ज़ीरो हो गई है, और ये जब फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो गई तो ये सारे के सारे ज़ीरो हो गए। सिर्फ क्या करना था हमें, हमें करना था माइनस थ्री एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होती है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, हमें करना है वैल्यूज़ फाइंड, ठीक है, एरिया को गिवन करने के, देखिए लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना है। लेंथ मतलब कि इसके क्या करने हैं आपको, फैक्टर बनाने हैं, क्या बनाने बच्चों, इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर हम किस तरीके से बना पाएंगे, देखिए बच्चों इसको हम करेंगे क्या, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x प्लस ए और x, यहाँ पर हम कर देंगे x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में लिखने के लिए, इसको ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस, हमें लिखना है माइनस
ए प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा प्लस ए इंटू बी। कुछ इस तरीके से अगर हम इसको लिख देंगे तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो बनाते हैं इसको, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5 ए का स्क्वायर। देखिए 5 5 25, ये सही है, ठीक है। अब इसको ऐसा फैक्टर बनाना है कि देखिए ये 5a तो हमारे पास x की जगह आ ही रहा है, अगर 35a में से मैं 5a निकाल देता हूँ, मेरे पास बचता है 7, और 7 का मैं फैक्टर बना देता हूँ 4+3 लिख देता हूँ, 4+3 हो जाएगा 7, और लास्ट जो टर्म है बच्चों है 4 4 × 3। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें देगा बच्चों x माइनस ए, मतलब कि 5a - 4 और 5a - 3, ठीक है। ये आंसर जो है आ जाएगा लेंथ और ब्रीथ के लिए, ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमें देखना है क्यूबॉइड के डायमेंशंस बताने हैं वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर क्या चीज़ होती है बच्चों, इसके अंदर होती है एल मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। एल बी एच मतलब कि तीन फैक्टर इसके निकल के आएंगे, तो 12 ky² + 8 ky - 20 में अगर मैं कुछ देखता हूँ तो सबसे पहले चीज़ दिख रही है कॉमन 4, ठीक है बच्चों, 4 सब में से कॉमन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो मेरे पास बचेगा 3 ky² + 2 ky - 5, ठीक है। अब इसके हम करते हैं फैक्टर, ठीक है बच्चों, देखिए 4 × इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आएगा, कितना आएगा 15। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो करने से हमें 15 देगा, तो वो होगा बच्चों, वो हो जाने वाला है देखिए 5ky में से अगर मैं 3ky - कर देता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर k था जो कि हम भूल गए थे, हमें लिखना था इसको, ठीक है बच्चों, 5k जो है वो साथ में यहाँ पर चलेगा, और इससे क्या होगा, ये k हम कॉमन ले लेंगे, चलो अभी छोड़ते अभी ले लेते हैं इस स्टेप में, तो 4 और ये हो जाएगा k, ठीक है बच्चों, 4k मतलब कि 3y² और इस 3y को मैं आगे लिख देता हूँ 5, ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से फैक्टराइज। तो बच्चों 4k बच्चों ये हो गई, देखो लेंथ ब्रीथ और हाइट, ठीक है। हम के यहाँ भूल गए थे तो हमने यहाँ तो फैक्टर कर लिए थे, इसके फैक्टर करने के बाद हमने इन दोनों टर्म को आगे लिख लिया, और के भी कॉमन यहाँ से निकालने के बाद देखिए मेरे पास क्या बचेगा, y - 1 3y + 5, तो लेंथ के लिए हम लिख देंगे 5 4k, ब्रीथ के लिए हम लिख देंगे y - 1, और जो हाइट है उसके लिए हम लिखेंगे 3y + 5 जो है वो हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज जो है हमारी 2.3 होती है यहाँ पर ख़त्म, चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बचे हुए क्वेश्चंस हमें करने हैं प्रैक्टिस, बने रहना है कल्याणी जूनियर्स के साथ में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।